हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सिर्फ दो चीज़ों से बनी ऑरेंज पॉप्सिकल्स की रेसिपी। ये बहुत यमी होती है और सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। बच्चों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसे हम बिना शक्कर के बना रहे हैं तो हेल्दी भी है, और जो इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज पॉप्सिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में डाल रहे हैं 2 ग्लास पानी। ये नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी हमने नहीं लेना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज ग्लूकोन डी। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ये एनर्जी ड्रिंक होता है और इसके पॉप्सिकल्स बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैंने 8 चम्मच भर कर ग्लूकोन डी डाल दिया है। इसमें आपको एक्स्ट्रा शक्कर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है मीठा कम लग रहा है तो आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं। अब इसे तब तक घोलना है जब तक इसके ग्रैनुअल्स अच्छे से पानी में घुल ना जाए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी में ग्लूकोन डी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज कलर, ये ऑप्शनल है, ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर देने के लिए। आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे ऑरेंज पॉप्सिकल्स बनके तैयार हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट लगे हैं इसे बनाने में। अब मैं इसे एक जग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम मोल्ड ले लिया है, इसमें हम इसे डाल देंगे। तो इस लिक्विड से कम 7 पॉप्सिकल्स आपके बन जाएंगे। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढक देंगे और इसे कम से कम आपको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेना है। तो इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। अब तो 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, आप पूरी रात भी इसे रख सकते हैं। मैंने इसे 2 मिनट बाहर निकाल दिया था। तो ये देखिए कितनी आराम से हमारे पॉप्सिकल्स निकल गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और खाने में आपको पता ही है हेल्दी है क्योंकि इसे हमने ग्लूकोन डी से बनाया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है। मार्केट से बाहर से आपको लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्लूकोन डी खरीदना है और पानी डाल के इसे बना लेना है। दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।